बैन अलक्वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने माशी सूरत हाल में बेहतरी के बाईस पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। माशी दर्जाबंदी के आलमी इदारे फिच ने माशी सूरत हाल में बेहतरी के बाईस पाकिस्तान की रेटिंग ट्रिपल सी से बढ़ाकर ट्रिपल सी प्लस कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF के हालिया प्रोग्राम से माली खसारे और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई, ताहम नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। टैक्स टू GDP शरा मौजूदा 9 से बढ़ाकर 12% करना हदफ है। पिछ रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि बासर जरी शोबे पर टैक्स बढ़ाने के लिए सूबाई सतह पर कानून बनाना होगा। पाकिस्तान को सरकारी इदारों में मौजूदा देरीना कमजोरियों से भी निमटना होगा। लचकदार एक्सचेंज रेट मॉनिटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क में बेहतरी लाना होगी। रिपोर्ट वाजे रहे कि रवामा के वस्त में फिच ने पाकिस्तानी मईशत और सियासी इस्तेहकाम से मुतालिक भी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक मौजूदा हुकूमत 18 माह कायम रह सकती है और उसके बाद टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बन सकती है, जबकि इमरान खान मुस्तकबिल करीब में जेल में रह सकते हैं। फिच के मुताबिक माली साल 2024 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरासूद 20.5% से कम करके 14% तक ला सकता है। महंगाई की शरह में भी कमी आ सकती है। रुपए की कदर में निस्बतन इस्तेहकाम रहने के ज्यादा इम्कानात हैं।